दोस्तों, पूजा पाठ में धूप क्यों जलाया जाता है? अगर हम धूप नहीं जला रहे हैं तो क्या दिक्कत होगा? आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको पूरे जानकारी मिलेगा कि धूप क्यों जलाया जाता है, नहीं जलाने से क्या घाटा होगा, आपको सारी जानकारी मिलेगा। कौन सा आप फल का सेवन करेंगे तो आपको बीमार जल्दी नहीं होंगे, यानी कि बीमारी आपको जल्दी नहीं पकड़ेगा। यह नहीं कि आप एक दो फल खा लिया कहने लगेंगे कि हमको तो बीमारी पकड़ लिया है, ऐसा नहीं। आप उसके जो अधिक सेवन करेंगे तो आपको अधिक दिन बीमारी नहीं पकड़ेगा। जी हाँ, पीले प्रकार का जो फल होता है उससे आप अधिक सेवन करने से बीमारी नहीं पकड़ेगा, यानी कि केला वगैरह जो फल होता है उससे बीमारी नहीं पकड़ता है। मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहूँगा सोचा कौन सा फल है जिसको, यानी कि उसे कभी कीड़ा नहीं पकड़ा है उस फल में, उसमें फल में कीड़ा होता ही नहीं है। कौन सा फल है, उस फल का क्या नाम है जिसमें कीड़ा नहीं होता है, एक भी कीड़ा नहीं होता है? जी मैं बताता हूँ आपको, उस फल का नाम है केला। केला में कभी भी कीड़ा नहीं पड़ा है, आज तक नहीं पड़ने की संभावना है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मैं जानकर सकती हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपको कुछ समय के बाद कॉल करूंगा, यानी अवाह कॉल नहीं करता है, उसके बाद कॉल नहीं करता है, कुछ समय क्या एक दो दिन बाद भी नहीं कॉल करता है। आपको इससे क्या पता चलता है? यहाँ पता चलता है कि वह व्यक्ति आपको केवल टार देने ही का चाहता था कि मैं इनको टार दूँ कि मैं आपको कॉल करूँगा, और वह कॉल नहीं करता, यानी वह व्यक्ति आपको कॉल करना ही नहीं चाहता था, इसलिए वह कहा यह भाषा। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा सबको, अगर आपको बुखार यानी कि फीवर हो जा रहा है और फीवर हटने यानी कि बुखार खत्म होने के बाद जो आपका मुंह का जो स्वाद होता है वह खत्म होता है, वह कड़ापन लगता है नीम की पेड़ की तरह, उसको दूर करने के लिए क्या करें कि वह मुंह का कड़ापन अच्छा हो सके? जी हाँ, आप नींबू का एक भाग ले, दो भाग में से एक भाग काट ले और उसे गैस पर उसे थोड़ा सा जला दे, और जलने के बाद उस पर काली मिर्च यानी कि जीरा होता है उसको कूट कर रख दे और सेना नमक ऊपर से हल्का रख दे, और आप उसे एक दिन में मात्र सेवन करने से आपका मुँह का कड़ापन ठीक हो सकता है। मेरी वीडियो अच्छा लगा। गुदगुदी आपको क्यों आता है? आपको गुदगुदी क्या अपने शरीर से टच करने के बाद कहीं भाग पर क्या गुदगुदी आपको आया है? नहीं आया है, लेकिन यह प्राकृतिक का इफेक्ट है। यह बात भी है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको स्पर्श कर रहा है तभी आपको गुदगुदी आ सकता है, ऐसा नियम भी है, इसलिए आपके शरीर से आपको गुदगुदी नहीं आता है। मेरी वीडियो अच्छा लगा। गीतकार यानी कि सिंगर जो गाना गाता है वह एक दिन में कितने बार बोल देता है, वह एक दिन में कम से कम कितने बार बोल देता है? मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन में 2000 से अधिक बार वह बोल देता है, उससे कम बोल नहीं सकता है, क्योंकि उससे गाना गाना पड़ता है, सॉन्ग गाना पड़ता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, मगरमच्छ कितने दिन तक ले वह जीवित रहता है, उसका औसत आयु कितना वर्ष है, यानी वह कितने दिन तक जीवित रह सकता है? जी मैं आपको बताता हूँ कि मगरमच्छ लगभग 100 वर्ष जिंदा रहता है। जी हाँ, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मगरमच्छ को जीवन नहीं होता है, उसके दांत कितने होते हैं आपको भी बताया था कि उसका दांत होता है 82। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वह नोबेल पुरस्कार कब जीता? भौतिकी को जो है, जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब जीते, किस समय में जीते? जी हाँ, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार को जीते। जी हाँ, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं चैनल को। एक मुर्गी यानी कि हेन एक साल में कितने अंडे देते हैं, वह कितने अंडे दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते हैं, या कितने कम से कम देते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि मुर्गी 228 अंडे एक साल में देते हैं, उससे नहीं कम दे सकते हैं, नहीं उसके लगभग यानी कि उसके लगभग में ही दे सकते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तुम्हें चाहूँ। पूजा पाठ में धूप अगरबत्ती यहाँ क्यों दिखाए जाते हैं, इसके पीछे क्या राज्य है? क्या हम फूल पान और प्रसाद से पूजा नहीं कर सकते हैं? धूप अगरबत्ती प्रत्येक रूम में द्वार पर दिखाना क्या जरूरी है, इसके पीछे क्या रहस्य है? मैं आपको बताता हूँ कि धूप दिखाने से जितना आपके धुआं निकलेगा, उस धुआं से जहाँ तक वहाँ धुआं फैलेगा उससे जीवाणु कीटाणु विषाणु जो हमारे शरीर के लिए नुकसान है, जो कि बुखार वगैरह बीमारी फैलाता है, उसको मारता है जो धूप का जो धुआं होता है, इसीलिए धूप दिखाता है।
और अगरबत्ती से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल आसान तरीकों में अब अगरबत्ती को फैला दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छा होता है धूप दिखाना। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।